नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के नंदेकरपुरा रोड के पास 24 मार्च को एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। स्टेशन रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक व्यक्ति के दोनों हाथ मोबाइल की डाटा केबल से बंधे हुए थे। मृतक के बेटे गौरव कुशवाहा ने उसकी पहचान अपने पिता कमलेश कुशवाहा के रूप में की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुरैना पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने स्टेशन रोड थाना प्रभारी जितेंद्र नगायत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाला। फिर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला मृतक कमलेश कुशवाहा की पत्नी के अवैध संबंध अन्य किसी से होने के कारण मृतक द्वारा लंबे समय से आए दिन पत्नी के साथ मारपीट की जा रही थी, जिसकी शिकायत पत्नी ने अपने भाई से की थी। करीब डेढ़ महीने पहले मृतक का साला अपनी बहन के यहाँ नट वाली गली तुलसीपुरा मुरैना में आया। वहाँ अपने बहनोई के साथ बाजार से शराब एवं मीट खरीद कर ले जाकर घर में बैठकर शराब पी तथा मीट बनाकर खाई। घर के ऊपर वाले कमरे में जब मृतक कमलेश कुशवाहा को नशा ज्यादा हो गया तो पहले साले ने उसकी छाती पर बैठकर दोनों हाथों से गला दबाया एवं मरने से बच न जाए इसलिए पंखे की डोरी से गला घोट दिया, जिससे मृतक की मृत्यु हो गई। फिर ऊपर वाले कमरे की कुंडी बंद कर दी जिससे कोई उस कमरे में ना जा सके। जब उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि उसके परिवार में कुछ गड़बड़ है। कुछ लोगों ने और इन्फॉर्मेशन दी, मुखबिर तंत्र मजबूत किया गया। टीआई जितेंद्र नगायत जो उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की, अंततः ये बात सामने आई कि अवैध संबंधों को लेकर उस व्यक्ति की हत्या की गई है और हत्या में उसी के परिवार के कुछ लोग शामिल हैं। उन लोगों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में घटना पूरी क्लियर हुआ और मतलब आरोपियों ने मृतक की हत्या करने के बाद उसके सोने के चूरे और अंगूठी वगैरह गायब कर दी थी। कौन से बराबर दरअसल मृतक के बारे में जानकारी जैसा कि आपको एक कमलेश कुशवाहा था, इसकी डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी मिलने के बाद में हम लोग प्रयास कर रहे थे, तभी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हम लोगों को मुखबिर के माध्यम से और फुटेज के माध्यम से कि रात में तकरीबन 12 बजे करीब इसको ई रिक्शे से कुछ लोग ले जा रहे थे। जब और गहन पूछताछ करी तो ये कहानी प्रकार में आई कि उसकी हत्या जो है उसके परिवार के परिजन उसकी पत्नी अपने दो भाई और एक प्रेमी के साथ मिलकर की है। परिवार को उनकी सख्ती से पूछताछ की गई, उन्हें जुर्म कबूल किया गया और जो भी एविडेंस था वैसे ही किया गया। आरोपी गिरफ्तार हो गए, दो आरोपी गिरफ्तार है, उसकी पत्नी को भी।